एवरीवन, टाइम हो रहा है 3:35। सो गुड आफ्टरनून सबको। और यार वेदर बहुत सही हो रहा है, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है और अभी तो हल्की फुल्की बारिश भी हो गई है, मतलब अभी फिलहाल रुकी हुई है, पहले हो रही थी, मतलब अभी जस्ट 2 मिनट पहले बंद हुई है। तो आज हमने डिसाइड किया, मतलब मैंने और मोहित ने, कि हम आज बर्गर क्लब जाएंगे वहां का बर्जर खाने। तो हम आज बर्जर खाएंगे क्योंकि हमने बहुत दिनों से बाहर का कुछ खाया भी नहीं है, तो हम आज बर्जर खाने जा रहे हैं बर्गर क्लब का, क्योंकि मैंने सुना है कि वो मैकडी और क्या कहते हैं अपने बर्गर किंग से भी अच्छा खासा बर्गर उनका होता है, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, रिव्यूज देखे हैं, मोहित भी कह रहा था कि अच्छा होता है। तो आज हम वहां जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है, मोहित के भी घर के काफी पास पड़ता है, मतलब बीच में समझ लो आप, तो दोनों के घर के आसपास है, तो आज हम वहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ मोहित के घर के लिए, और अभी मतलब 3:35 हो रहे हैं तो अभी नहीं जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे, समथिंग अराउंड 5 और 4:30, तो तभी जाएंगे और मैं तब आपको दिखाऊंगा कि कैसा होता है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि अगर जो नहीं गया उसको बता दूंगा कि कैसा होता है, कैसा दिखता है और क्या प्राइस वगैरह आपको रहेगा बर्जर का। तो मैं फिर आपसे नीचे डायरेक्ट मिलता हूँ जैसे मैं मोहित के घर के लिए निकलता हूँ। जो आपने अभी देखा वो वेदर के असर की छोटी सी क्लिप थी। तो अब हम जा रहे हैं बर्गर क्लब की तरफ बर्जर खाने। क्या खाने जा रहे हैं मोहित भाई? बर्गर। बर्जर, बर्जर। तो हम बर्जर खाने जा रहे हैं बर्गर क्लब में, तो मैं आपको दिखाता हूँ और मतलब बता भी दूंगा कि कैसा लगता है और कैसा मतलब कितना सही होगा उनका बर्जर। तो आओ देखते हैं। सही है, हमने ऑर्डर कर दिया है और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत सही है, मतलब आप देख सकते हो काफ़ी सही है, सब सारी सीटें बहुत सही लगी हुई हैं, तो मतलब बहुत सही है, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। बाकी टेस्ट का मैं आपको खाने के बाद ही बता पाऊँगा। और क्या कहते हैं, प्राइस भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सही है, मतलब परचेज इजीली कर सकते हो, कोई महंगा नहीं है इतना, मतलब एक एवरेज बर्गर जो स्टार्ट होता है वो इनके यहाँ 39 से है वेज में, और इफ आपको नॉन वेज प्रेफर करते हो तो 69 से स्टार्ट होता है। बाकी सोन प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप अपनी फीलिंग्स बढ़वाते हो, तो इट्स अप टू यू, जैसे भी आपको सही लगता है। बाकी टेस्ट का मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ क्योंकि अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, जस्ट अभी ऑर्डर किया हमने, ज़्यादा देर नहीं हुई, तो फिर आगे देखते हैं। यार मतलब खाने में भी टेस्ट बहुत सही था, तो मतलब इतना सही था कि मैंने तो दो खाए हैं, फर्स्ट वाला वेज खाया है, सेकंड वाला चिकन खाया है, दोनों ही बढ़िया थे। चिकन वाला कह दो थोड़ा सा कम बढ़िया था क्योंकि वो सब अच्छे से नहीं किया था,
बाकी टेस्ट तो दोनों का बढ़िया था। बाकी फिर आप भी कभी आओ, ट्राई करो, रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बढ़िया है। सो आप आओ और खा के देखो। सो इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर मैं आपसे कल मिलता हूँ। तो सी यू टुमारो, बाय।